हेलो जी नमस्ते सत सत्या असलम आपका स्वागत है मेरे चैनल रिपल टू चैनल हिंदी उर्दू पे और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ का कार्ड न्यू ईयर 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन न्यू ईयर इन एडवांस टू एवरीवन अगर आप 2021 में भी इस वीडियो को देखेंगे दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग ये पूरे आपके साल के बारे में बताएगी कि 2021 में आपके साथ क्या होने वाला है आपकी लाइफ में क्या होगा आपकी टेरर प्रिडिक्शन की जाएगी लव की कैरियर की जो चीज़ भी यहाँ पे मुझे नज़र आएगी मैरिज की शादी की ठीक है प्रपोजल्स की आपकी स्टडी जो चीज़ भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स में नज़र आएगी ऑब्वियसली आई विल टेल यू कि आपके लिए 2021 का जो ईयर है वो कैसा होगा ये टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप 2021 में 2021 में किसी भी वक्त इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी ओके डोंट वरी अबाउट दैट अगर आपके साथ रेजोनेट करें आपने डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो इस चैनल पर आप उस वक्त दीजिए देखिए ठीक है तो आज की जो रीडिंग है वो डेफ़िनेटली 2021 के बारे में है कि आपके लिए जो नया साल है 2021 ये आपके लिए क्या लेके आएगा क्या प्रोग्रेस होगी क्या ब्लेसिंग्स होंगी क्या गिफ्ट्स क्या सरप्राइज़ हमें कुछ नहीं पता वी विल प्रडिक्ट एंड ऑब्वियसली इट विल रेजोनेट विद योर सिचुएशन और अगर आपके साथ नहीं करती है तो लेट इट फ्लाई इसका मतलब ये आपके लिए नहीं है डोंट वरी ओके तो आपके सामने थ्री ग्रुप्स हैं थ्री पाइल्स हैं अपनी मर्जी से आप चूज़ कर लीजिए कर लीजिए कि आपको क्या चूज़ करना है ऑप्शन नंबर वन विद इस लाइम लेमन ऑप्शन नंबर टू विद दिस वाटरमेलन सिचुएशन ऑप्शन नंबर थ्री दिस पिंक रेड एंड येलो कलर हैं या फ्रूट्स हैं या जो भी आपको जो चीज़ पसंद है आप चूज़ कर लीजिए ठीक है मैं बोलूँगी मैं बोलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे और तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ओके ग्रुप नंबर वन हेलो वेलकम ऑन योर रीडिंग जिन्होंने भी ये लाइन वाला जो है वो चूज़ किया है दिस थिंग ओके सो देट्स सी कि आपकी लाइफ में दो में क्या चेंजेज़ आएंगी ठीक है वट वी विल सी इन लव कैरियर ओवरऑल प्रोग्रेस इन योर लाइफ ओके वी हैव वर्थीनेस ओके सबसे पहले आप में से काफ़ी सारे लोग जब 2021 में एंटर होंगे तो आपको पता होगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए यू विल डेफिनेटली नो योर वर्थ योर वैल्यू ठीक है आप डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे उस सिचुएशन पर आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या नहीं वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्प्लेट न्यूमोन इन पाइसिस तो आप पाइसिस हो सकते हैं वी हैव शो द वर्ल्ड रियल यू फुल मून इन एक आप इक्वेरियस भी हो सकते हैं वी हैव हीन दिस इज एक्वेरियस कार्ड एंड देन वी हैव डेडिकेटेड एफर्ट एट ऑफ फेंटिकल्स ओके आपने से काफ़ी सारे लोग मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त आप हीलिंग पोजिशन में हैं आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने आप को उन पुरानी चीज़ों से इस साल में जो अपनी चीज़ें सीखी आपने जो लेसन लर्न किए आप डेफिनेटली इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग आप डेफिनेटली एक लेसन सीख के जा रहे हो नेक्स्ट ईयर में और आपको पता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन होगा सेल्फ लव का सेल्फ केयर का मेडिटेशन हीलिंग आप इस वक्त डेफिनेटली इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग ऑफ योर योर फीलिंग्स योर इमोशंस जो भी आपने इस साल लेसन सीखे आप उसको डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में लेके जाने वाले हो और उसी को ही बेस बना के आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हो। वी हैव द शो द वर्ल्ड रियल यू फुल मून एक्वेरियस आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट ईयर अपने आप रियल जो टैलेंट है जो आपकी रियल स्किल्स हैं जो अपना आप है अपनी ब्यूटी है अपनी खूबसूरती है जो इनर सेल्फ वर्थ है उसको दिखाओगे यू डोंट डिजर्व दिस यू नो लाइक यू डेफिनेटली नो दैट वट यू want। जब नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर आप जब एंटर uh, होंगे साल में जो दो हज़ार इक्कीस का साल है वो सब कुछ आपके बारे में है कि आपको क्या चाहिए आपको क्या पसंद है क्या चीज़ आपके लिए सही है क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है आप डेफिनेटली उसी में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे आप डेफिनेटली किसी चीज़ में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले जो चीज़ आपको खुशी नहीं देगी या जो चीज़ आपके लिए वेस्टफुल होगी फिर हमारे पास है डेडिकेटेड एफर्ट एट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हार्ड वर्किंग होगी बहुत ही मेहनत होगी पैसे पे और आपको पैसा भी मिलेगा अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो डेफिनेटली योर एफर्ट विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड योर वर्क टुवर्ड योर सक्सेस और आप डेफिनेटली दुनिया को दिखाओगे कि रियल टैलेंट क्या है रियल uh, um, जो भी आपका टैलेंट है पेंटिंग है म्यूज़िक है आर्टिस्ट है आप टीचर हो आप कुछ भी हो आप डेफिनेटली बहुत मेहनत करेंगे और आपको जो भी पोजिशन मिलेगी या जो भी आपके, आपने इस साल मेहनत की है उसका रिजल्ट भी आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा नेक्स्ट ईयर में मिलेगा और आपको डेफिनेटली वो चीज़ें मिलेंगी

and we know that jupiter is going to conjunct with saturn in in the month of december so before in this uh, 2020 20 okay the last year this month so aapke liye kafi change layega mujhe jupiter lagta hai ki aap वैसे तो आपको खुद को अपना personal natal chart देखना पड़ेगा कि कहां है आपका jupiter कहां lie करता है लेकिन mostly of you jinhone pile number ye 1 choose kiya hai jupiter will be in your favor जहाँ पे भी होगा जिस साइन में भी होगा वो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा तो अगर फर्स्ट हाउस में है तो डेफिनेटली आपका फोकस अपने ऊपर होगा सेकंड हाउस है तो फाइनेंसिस यू नो जस्ट लाइक दैट सो फील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली जुपिटर आपको बहुत फेवर करेगा लक आपकी साइड पर होगी जो भी आप करना चाहोगे आपको सक्सेस चाहिए प्रॉस्पेरिटी चाहिए अगर आप सिंगल हो तो डबल हो जाओगे टेकन हो जाओगे या रिलेशनशिप में होगे सो डेफिनेटली दिस दिस नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी चेंजिंग फॉर यू पेज ऑफ पेंटिकल्स आप अर्थ साइन भी हो सकते हो ठीक है वी हैव सिक्स वॉन्स लुक इट दिस विक्टोरियस विक्ट्री सक्सेस फेम पॉपुलैरिटी वी हैव स्ट्रेंथ तो आप लियो भी हो सकते हो एंड देन वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव तो आप कैंसर भी हो सकते हो कैंसर लियो वी हैव फाइसिस में मैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहती कोई भी एयर साइन कोई भी अर्थ साइन कोई भी फायर साइन सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं ठीक है वाटर साइन भी ओके okay, लुक आपके लिए ये जो साल था वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था या काफ़ी सारे डिसीजन आपने लेने थे नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए कुछ ऐसा होगा कि आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे ऐसे जो आपकी लाइफ को चेंज कर दें जो आपको सक्सेस दें जो आपको विक्ट्री दें जो आपको प्रॉफिट uh, दें और आपके लिए डेफिनेटली लाइव ट्रेवल भी बहुत इन्वॉल्व होगा आप में से काफी सारे लोग वर्क के लिहाज से भी ट्रैवल करेंगे या वैसे ट्रैवल करेंगे ठीक है अपनी लाइफ को डेफिनेटली मूव ऑन करेंगे मुझे लग रहा है काफी सारे लोग नेक्स्ट ईयर जो है वो गाड़ी भी खरीदेंगे दैट विल बी योर लक ऑब्वियसली यू विल इन्वेस्ट इन योर इन योर मनी यू विल सेव योर मनी लाइक हो सकता है घर के लिए कुछ कोई चेंजिंग लाएँ या डेफिनेटली अपने लिए खुद के लिए कोई गाड़ी खरीदें या कोई अपने घर के कोई वेकल खरीदें ठीक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड लियो आप में से काफी सारे लोग जो नेक्स्ट ईयर होगा वो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग हो गया आपको कोई रोक नहीं सकेगा जब आपने एक डिसीजन ले लिया तो बस ले लिया यू विल डेफिनेटली विल फोकस ऑनली ऑन योर सेल्फ तो ये जो नेक्स्ट ईयर होगा वो ऑल अबाउट यू ऑल अबाउट योर डिसीजन ऑल अबाउट योर सक्सेस विद द स्ट्रेंथ एनर्जी बहुत ही पावरफुल मंथ होगा आप अपने लिए डिसीजन लोगे या आपके लिए बहुत पावरफुल ईयर होगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप सिंगल हैं तो आप डबल हो जाएंगे आपके लिए ऐसा प्रपोजल आएगा या आ, जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा ठीक है सिक्स ऑफ वॉन्स आप डेफिनेटली विक्टोरियस फील करोगे फाइनली जो आपको रिलेशनशिप चाहिए था जो सक्सेस चाहिए थी वो आपको मिलेगी यू विल इन्वेस्ट योर मनी यू विल यू विल गेट द जॉब यू विल बी सक्सेसफुल इन योर स्टडी इन योर एजुकेशन एंड आल्सो योर हेल्थ विल बी गुड सो जो कन्फ्यूजन जो इस ईयर थे या अभी आपको कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएंगे यू डेफिनेटली विल बी इन अ गुड प्लेस नेक्स्ट ईयर अब रोमांस एंगल से देखते हैं वी हैव डिसेप्शन वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स ओके वी हैव लेट गो आफ कंट्रोल इश्यूज़ एंड देन वी हैव फ्री योर सेल्फ ओके तो रोमांस की अगर मैं बात करूँ तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हो सकता है एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो ठीक है जो डिसेप्टिव था जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था शायद उस वजह से भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगी इस मंथ या ये नेक्स्ट ईयर या इस ईयर भी रही है आपको लेकिन फाइनली ये इंसान जाके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा फाइनली ये इंसान या आपको पता चल जाएगा कि क्या इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए हैं या नहीं हैं ठीक है या आप सरेंडर कर दोगे गॉड की तरफ और उसी में ही फायदा है आपका जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे डेफिनेटली आपको वो आंसर्स नहीं मिलेंगे यू शुड बी फोकस ऑन योर सक्सेस ऑन योर वेल्थ ऑन योर मनी ऑन योर वर्थ और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी आपको सरेंडर करने में ही सक्सेस मिलेगी सरेंडर करने में

I hope you can see all the cards here i really trying very best that you can see all the cards here okay here we have Judician 30 number we also have okay we have number 15 lovers wow you have the lovers card एंड वी हैव खोट हाउस नंबर ट्वेंटी थ्री ओके काफी सारे लोग लॉ और एजुकेशन में जाएँगे आप जुडिश्री में होंगे अगर आपकी कम्प्लीट हो जाएगी डिग्री तो आप डेफिनेटली प्रोफेशनली जो है अपनी डिग्री को स्टार्ट करोगे लॉ जुडिशन आप में से काफी सारे लोगों की जैसे नेक्स्ट मुझे लग रहा है ईयर में कॉन्ट्रैक्ट यू विल भी द इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर लवर आपकी डेफिनेटली अपने अपने लवर से ही शादी होगी जिससे शादी होगी आप डेफिनेटली एक लविंग सिचुएशन में एक लविंग रिलेशनशिप में होंगे वी आल्सो हैव द डिस्टेंट होराइजन काफ़ी सारे लोग जैसे मैंने ऑलरेडी कहा आप ट्रैवल करोगे बिजनेस को लेकर या ये जो आपका लवर अगर आपसे दूर रहता है तो वो आएगा आपकी तरफ ट्रैवल करके यू विल फील सक्सेसफुल आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा रीच करने वाले हो सक्सेस की तरफ बहुत ही आपको सक्सेस मिलेगी पॉपुलैरिटी मिलेगी आपको आप डेफिनेटली आप आपको लगेगा कि यू आर द विनर द नेक्स्ट ईयर ओके हर चीज में लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा की हेयर इज यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन ओके अब मजीद इन इनऑरिकल्स कार्ड से देखते हैं क्या है वी हैव नंबर टू साइकल्स स्टेटस को फिर वी हैव नंबर फोर इवेंट्स कंफ्लिक्ट फिर हमारे पास है नंबर फोर पीपल टीचर एंड वी हैव न्यू बिगनिंग ओके काफ़ी सारे लोग टीचर बनेंगे लॉ में टीचर होंगे या आप वैसे टीचर बनेंगे यू विल बी द टीचर ओके और आप डेफिनेटली एक टीचिंग सिचुएशन में होंगे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी यू विल बी इन लॉ एंड टीचिंग मुझे यहाँ पे स्पेशली नज़र आ रहा है या खुद का बिजनेस भी काफ़ी सारे लोग स्टार्ट करेंगे वी हैव द स्टेटस को सारे काफ़ी सारे लोग आपका ये जो नेक्स्ट ईयर है वो आपका स्टेटस चेंज कर देगा स्टेटस का मतलब है या तो आप सिंगल हैं तो टेकन टेकन है तो रिलेशनशिप तो में शादी हो सकती है और स्टेटस कोस का मतलब आप प्रोफेशनली जो आपकी जो है वो स्टेटस चेंज हो जाएगा फाइनेसिस में वो आपका स्टेटस टोटली चेंज हो जाएगा जो आज आप हैं इस मंथ इस ईयर में नेक्स्ट ईयर आपको हु नोज यू विल बी इन अ वेरी सक्सेसफुल पोजीशन ओके फिर हमारे पास है कन्फ्लिक्ट तो जो भी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन होगी आप उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे बिकॉज आई फील दैट यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन सब कुछ अच्छा भी नहीं होगा डेफिनेटली जो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन आएँगी आप उनको हैंडल कर लोगे यू विल डेफिनेटली विल हैंडल ऑल द सिचुएशन फिर हमारे पास है न्यू बिगनिंग ओके काफ़ी सारे लोग जो लोग मैरिड हैं नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपका बच्चा हो ठीक है आ, हो सकता है कि आप आप एक डेफिनेटली एक बेबी के साथ हो और जो लोग नेक्स्ट ईयर आपके लिए न्यू बिगनिंग इज़ डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट के हो सकता है कि शादी इस ईयर हुई है तो नेक्स्ट ईयर आपकी फैमिली में एडिशन होगा बच्चा होगा आपकी लाइफ में और जो लोग सिंगल हैं आपके लिए न्यू बिगनिंग का मतलब आप डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू नेक्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट यू इट्स ऑल अबाउट योर सक्सेस इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग इट्स ऑल अबाउट वट यू वांट इज़ कमिंग सो आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा आपको सरेंडर करना पड़ेगा जो चीज़ आपकी आपका रियल सेल्फ है वो दिखाइए अपना रियल टैलेंट दिखाइए डोंट हाइड योर सेल्फ डोंट वेट फॉर एनी वन के वो आएगा और आपकी लाइफ चेंज कर देगा यू हैव टू चेंज योअर लाइफ यू हैव टू डेफिनेटली स्टार्ट न्यू बिगनिंग और जो भी चीज़ आपको करनी है अभी से आप आपका प्लान बनाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का बट यू विल बी दिस मंथ इज दिस ईयर इज़ रेरी रेडी गुड फॉर द पीपल हु चूज़ ग्रुप नंबर वन ओके तो like, share, uh, Hello, ये आपकी रीडिंग है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैप्पी न्यू ईयर इन एडवान्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय हेलो ग्रुप नंबर टू जिन्होंने ये वाटरमेलन वाला ग्रुप नंबर ऑप्शन टू चूज़ किया है सो लेट्स सी हाउ विल बी योर नेक्स्ट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आपके लिए क्या क्या गुड न्यूज़ क्या सरप्राइजेज़ और क्या चेंजेस लेके आ रहा है लेट्स वी हैव द सोलमेट्स ओके वी आर स्टार्टिंग वेरी इंटेंस ओके काफ़ी सारे आई एम हैप्पी फॉर यू अगर आप सिंगल हैं तब भी हैप्पी हूँ मैं आपके लिए और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं सोलमेट के साथ ओ माई गॉड कन्ग्रेचुलेशन सो आपका जो साल है वो इंटेंसली शुरू हो रहा है बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ सोलमेट ओके okay? सो so, आप में से काफ़ी सारे लोग जो सिंगल हैं वो डेफिनेटली uh, अपने सोलमेट के साथ होंगे नेक्स्ट ईयर और जो लोग ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आप एक यूनियन में होंगे अपने सोलमेट के साथ यू विल बी विद योर सोलमेट कॉन्ग्रेचुलेशन ओके सो और इसका मतलब ये भी है कि सोलमेट का मतलब ये भी है कि आप हो सकते हैं अपने सोलमेट के साथ आप एक एक किस्म का आप मिलें इस इंसान को नेक्स्ट ईयर या आपकी यूनियन होगी इस इंसान के साथ ठीक है यू विल बी विद योर सोलमेट डेफिनेटली इन लव इन रिलेशनशिप्स वी हैव द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून ओके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो है ईयर आपका स्टार्ट होगा इंटेंसली वी हैव अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक न्यू मून इन विरगो सो आप विरगो हो सकते हैं आप में से काफ़ी सारे लोग आपने बहुत से ज़्यादा लोगों को दिया रिलेशनशिप्स को दिया फैमिली को दिया तो जो नेक्स्ट ईयर है वो अब आपने देना नहीं है आपने रिसीव करना है अब आपका टाइम आ गया है रिसीव करने का वी हैव ड्रीम्स कमिंग थ्रू वा वाटर साइन फाइसिसकॉर्पियो चेंज योर फोकस फाइव ऑफ खाप्स ओके सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यूलव होगा आप इस इंसान को अभी नहीं मिले हैं सोलमेट्स मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को अभी नहीं मिले हैं सोलमेट्स को तो आपको डेफिनेटली अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा जिस आपने इस सोलमेट को पाने के लिए या ये इस ऐसा इंसान होगा जो आउट ऑफ कल्चर या रिलीजन होगा तो आपको डेफिनेटली अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा यू हैव टू चेंज योर फोकस यू हैव टू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इन ऑर्डर टू गैट ऑब्वियसली ये जो आपको चीज़ चाहिए उसके लिए आपको अपनी विश को ट्रू पाने के लिए आपको डेफिनेटली अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा इमोशनली भी आपको चेंज करना पड़ेगा और इस 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 चीज़ से निकलना पड़ेगा ठीक है और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस इंसान को अभी नहीं मिले हैं और ये आपका न्यू सोलमेट भी हो सकता है न्यू लवर भी हो सकता है ये वो इंसान नहीं है जो आपको छोड़ के चला गया सो so, जिसके लिए आप रो रहे हैं जिसके लिए आप एक्सिस पे स्टक हैं जो लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं या जिसके लिए रो रहे हैं चेंज और फोकस का मतलब ये है अपना ध्यान और तरफ देखिए क्योंकि हो सकता है जो आपका सोलमेट जिसको आप समझ रहे हैं वो आपका सोलमेट नहीं है क्योंकि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी लेकिन किसी और के साथ दैट्स वॉट आई एम सींगेयर फॉर लॉर्ड ऑफ यू और कुछ लोगों के लिए आपको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा इस खुशी को पाने के लिए नाइन ऑफ कप्स ओके सो मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वाटर साइन हैं पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो या आप विरगो भी हो सकते हैं स्पेशली या ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं आपकी विशेज सारी पूरी होंगी बिकॉज़ विश इज़ कमिंग ट्रू ड्रीम कमिंग ट्रू नाइन ऑफ कप्स जो भी आपने ड्रीम्स देख के प्रे किया मैनिफेस्ट किया नेक्स्ट ईयर आप उसका आपको फल मिलेगा उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ठीक है नाउट सी फ्रॉम दट्स वी हैव इनरो वी हैव सिक्स ऑफ कप्स ओके अनदर कार्ड ऑफ ऑफ सोलमेट सो काफी सारे लोग या आपका सोलमेट के साथ यूनियन होगी आप अपने सोलमेट को मिलोगे वाटर साइन हो सकते हैं वो या आप ठीक है Uh, कुछ लोगों के लिए आपका फर्स्ट लव भी हो सकता है पहली दफ़ा आपको किसी के साथ ऐसा लव फील होगा या ऐसा अट्रैक्शन फील होगा ठीक है काफ़ी सारे लोग ए, uh, आप अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो डेफिनेटली आई एम सींग लॉट ऑफ़ चिल्ड्रन स्पेशली टू चिल्ड्रंस ओके वी हैव सेवन ऑफ कप्स आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास चॉइसज भी होंगी लव को चूज़ करने के लिए एक से दो चॉइसिस भी हो सकती हैं ठीक है जिसमें से आपको चूज करना पड़े या वैसे ही आप लोग काफ़ी क्रिएटिव होंगे तो नेक्स्ट ईयर आप लोग काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन होंगे वर्क को लेके लवर्स को लेके बहुत सारी चीजें करनी होंगी बहुत सारी चीज़ें आइडियाज और आपके ड्रीम्स होंगे जो आपने आप फुलफिल करोगे नेक्स्ट ईयर ओके वाओ वी हैव द लवर्स आई मीन वाट इज दिस रेनिंग लवर्स ओके जयमन दिस इज ऑल अबाउट लव रोमस टेन ऑफ पेंटिकल्स आई मीन लुक एट दिस वाओ and what we have four of pentacles, earth sign Taurus Virgo Capricorn we also have Gemini eight of pentacles okay जो आपने मेहनत की वो आपको definitely आपको next year मिलने वाली है यू विल गेट सक्सेस यू विल योर विशेज विल कम ट्रू मुझे लगता है ये जो ग्रुप है आपको नेक्स्ट जो ईयर है वो आपके लिए आपको लव वाला एरिया भी आपका कम्प्लीट होगा आपका पैसों वाला सक्सेस वाला मनी वाला एरिया भी कम्प्लीट होगा आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी यू विल बी इन अ सक्सेसफुल पोजिशन यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद योर ट्रू लव सिक्स ऑफ काप्स और लवर्स बहुत ही डीप लव सोलमेट या ट्लेम कनेक्शन हो सकता है ठीक है हम ऑलरेडी सोलमेट्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं सो यू विल बी विद योर सोलमेट यू विल बी विद योर ट्विन फ्लेम यूनियन होगी या आप पहली दफ़ा इनको मिलेंगे ओके okay? फिर हमारे पास है टेन ऑफ पेंटिकल्स और जिन लोग जो लोग नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि आपकी शादी जिस इंसान से होगी टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली जिससे शादी होगी वही आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा और उसी के साथ ही आपकी हैप्पी शुरुआत होंगी यू विल कंप्लीटली दिस पर्सन विल बी वेरी आई फील दैट इस इंसान के पास पैसा होगा ठीक है दिस पर्सन विल बी बिजनेस ओरिएंटेड दिस पर्सन विल बी वेरी हार्ड वर्किंग जो भी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा योर फ्यूचर पार्टनर योर फ्यूचर स्पाउस काफ़ी सारे लोगों की मुझे लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर रिलेशनशिप में होंगे आपकी शादी होगी विद योर सोलमेट और विद विद योर लवर या आपके पास चॉइस होगी ऑप्शन होगी चूज़ करने के लिए भी कौन सा आपको लड़का पसंद है लड़की पसंद है एंड यू विल डेफिनेटली चूज़ योर फेवरेट गर्ल और फेवरेट बॉय और उनके साथ आपकी शादी होगी फोर ऑफ पेंटिकल्स पैसों के लिहाज से भी ये मंथ जो नेक्स्ट ईयर है वो काफ़ी सेविंग होगा आपकी पैसों के लिहाज से भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करोगे और आपको um, आपको जॉब मिलेगी अगर जॉब नहीं है तो यू विल डेफिनेटली सेव अ लॉट ऑफ मनी टेन ऑफ पेंटिकल्स वाव इट्स अ सक्सेस इन योर बिजनेस इट्स अ सक्सेस इन योर जॉब कोई पोजीशन भी मिल सकती है आपको या प्रमोशन भी मिल सकती है इन योर वर्क एरिया मजीद देखते हैं रोमैंस एंजल से वी हैव चिल्ड्रन सो डेफिनेटली चिल्ड्रेन इन्वॉल्व होंगे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं आप तो आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं आप प्रेगनेंट हो और जो लोग सिंगल मदर देख रही हैं तो हो सकता है आपकी दूसरी शादी हो एंड दिस पर्सन विल एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन ये डेफिनेटली आपके बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे वी हैव गेटिंग टू नो इच अदर गिव यू रिलेशनशिप अ चांस और फिर हमारे पास है वेडिंग वाह wow, मैंने बोला था मैंने बोला था कि काफ़ी सारे लोग इस, इस नेक्स्ट ईयर हैं आपकी शादी होगी वेडिंग टेन ऑफ पेंटिकल्स यू विल गेट मैरिड और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस ईयर इस आपकी शादी हुई है यू विल हैव चिल्ड्रन नेक्स्ट ईयर यू आर मूविंग टू सक्सेस वन स्टेप बाय स्टेप ओके okay? सो so, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान मैंने जैसे कहा पास्ट का लवर होगा आपकी तरफ वापस आएगा रिलेशनशिप के लिए चांस मांगेगा फॉरगिवनेस मांगेगा तो आपके पास चॉइस होगी कि इस इंसान को माफ़ करके इससे शादी करना या इससे इसको एक्सेप्ट करना या आगे मूव ऑन करना किसी नए इंसान को चूज करना गेटिंग टू नो इच अदर तो हो सकता है आप एक किसी नए इंसान से मिलो और यू विल गेट टू नो इच अदर वी हैव नंबर ट्वेंटी फाइव हाई ऑनर वी हैव मेच्योर वुमेन नंबर सिक्स तो आपके एज का डिफरेंस हो सकता है वी हैव वेल्थी मैन क्या बोला मैंने क्या बोला लॉटरी लगी लॉटरी दिस पर्सन विल भी वेरी सक्सेसफुल वी हैव इम्प्रिजमेंट नंबर ट्वेंटी नाइन ओके आप में से काफ़ी सारे लोग इस सिचुएशन में होंगे या प्रॉब्लम में होंगे आपको समझ नहीं आएगी कि किसको चूज करें किसको ना करें या ये ईयर आपके लिए बहुत ही बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था ठीक है वी हैव ट्वेंटी फाइव हाई ऑनर तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को सक्सेस मिलेगी नेक्स्ट ईयर ठीक है यू विल भी डेफिनेटली बी इन अ गुड पोजिशन आपको अच्छी पोजिशन मिलेगी आपको सक्सेस मिलेगी प्रमोशन भी मिल सकती है हाई ऑनर का मतलब ये है या जिसके साथ आपकी शादी होगी दे विल भी इन अ हायर पोजिशन ओके वो एक हाई पोजिशन में होंगे जैसे एक अच्छी भी मतलब एक काफ़ी सक्सेसफुल पोजिशन में होंगे जॉब में होंगे बिकॉज़ दे आर वेल्थी मैन दिस इज़ अ वेल्थी मैन हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ तो वो मैंने जैसे कहा टेन ऑफ पेंटिकल्स या तो उनकी फैमिली के पास बहुत पैसा होगा या उनके पास इतना पैसा होगा दे विल be इन आर्मी पुलिस काफ़ी सक्सेसफुल पोजीशन पर होंगे लॉयर हो सकते हैं जज हो सकते हैं ठीक है टीचर हो सकते हैं मतलब एक अच्छी पोजिशन एक, एक अच्छा ग्रेड एक अच्छा यू नो लाइक वेल्थी फैमिली वेल्थी मैन सक्सेसफुल ओके सो एज का डिफरेंस हो सकता है या फैमिली का डिफरेंसिस हो सकता है आप दोनों में ठीक है बिकॉज़ वी हैव द मेच्योर वुमेन तो हो सकता है किसी मेचोर वुमेन के थ्रू आपका रिलेशनश होगा या आप इसकी या आप ये मेच्योर वुमेन है जो ये इंसान आपसे शादी करना चाहेगा तो एज का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है और अगर आप मैन हैं ओके आप आप डेफिनेटली द नेक्स्ट ईयर यू विल बी द वेल्थी मैन तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी यू विल बी गेट द इन अ डेफिनेटली इन अ प्रमोशन और आप में से काफ़ी सारी जो लड़कियाँ हैं इसमें वीडियो देख रही हैं यू विल बी इन अ मेच्योर वुमेन लाइक यू विल बी टोटली कम्प्लीटली मैच्योर वुमेन द नेक्स्ट ईयर एंड रेडी फॉर रिलेशनशिप सो अब इन और कल्स कार्ड से देखते हैं क्या है वी हैव द ऑनरिंग पाथ डेफिनेटली काफ़ी सक्सेस मिलेंगी आपको काफ़ी प्रमोशन मिलेगी यू विल बी द फेमस लाइक लॉट ऑफ पीपल्स आर क्लैपिंग फॉर यू आई डोंट नो आपको डेफिनेटली अचीवमेंट्स मिलेंगी या ये इंसान काफ़ी स्ट्रांग है इंडिपेंडेंट है अचीवर है लाइफ में एंड वी हैव हैप्पी सक्सेस वाओ सो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट ईयर काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए हैप्पीली सक्सेसफुल यू विल भी एक्सट्रीमली हैप्पी लुक एट दिस विद योर सक्सेस वी हैव विक्टम मेंटैलिटी आप में से काफी सारे लोग इस विक्टम मेंटैलिटी से निकली कि आप कभी खुश नहीं होंगे तो नेक्स्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम्स आपको बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं बिकॉज यू विल बी इन योर विक्ट मैंटैलिटी इन प्रिजमेंट कि कुछ नहीं होगा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता मेरी बैड लक है या मेरा बैड लक चल रहा है नो यू हैव टू फाइट फॉर दिस एंड द लास्ट वन इज फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स स्पिरिट सो so डेफ़िनेटली आपके फैमिली आपका फ्रेंड्स और गाइड्स होंगे नेक्स्ट ईयर वो भी आपके साथ हमेशा रहेंगे दे विल गाइड यू दे विल हेल्प यू योर फ्रेंड्स योर फैमिली और योर गाइड्स सो डेफ़िनेटली आपको उनको सुनना है उनको सक, आपने उसी चीज़ इस उन्हीं चीज़ों से निकलना है दे कैन हेल्प यू दे कैन गाइड यू ओके यू विल आल्सो विल हैव अ लॉट ऑफ़ फ्रेंड्स एंड फैमिली काफ़ी सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ आपकी बनेंगी नेक्स्ट ईयर ओके यू विल बी इन अ फैमिली और यू विल हैव अ लॉट ऑफ़ फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर ओके यह आपकी रीडिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस हेलो ग्रुप नंबर थ्री जिन्होंने ये पिंक और वाइट कलर का ऑप्शन चूज़ किया है दिस इज़ फॉर यू दिस फ्रूट कि आपके लिए 2021 का जो साल है वो क्या चीज़ें आपकी लाइफ में लेके लाएगा क्या सक्सेस होगी क्या पॉजिटिविटी क्या चेंज वी हैव कमिटमेंट ओके वी आर स्टार्टिंग विद वेरी इंटेंस एनर्जी सो so, हम ऑलरेडी ही कमिटमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं तो काफ़ी सारे लोग आप कमिटमेंट में होंगे रिलेशनशिप में होंगे अगर आप सिंगल हैं यू विल बी टेकन यू विल गेट मैरिड मे बी विद योर सोल मेट विद योर ट्विन फ्लेम और काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी अपनी कमिटमेंट में होंगे अपने पार्टनर के साथ यूनियन होगी अगर आप ऑलरेडी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपकी उनके साथ कमिटमेंट होगी शादी होगी मैरिज होगी या डेटिंग करना स्टार्ट करेंगे और काफ़ी सारे लोग जो मैं देख रही हूँ कि अगर आप नहीं जानते कि कौन है आपका सोल मै चटून फ्लेम तो आपकी शादी होगी यू विल बी डेफिनेटली इन अ रिलेशनशिप कमिटमेंट और ये कमिटमेंट किसी तरह भी हो सकती है लव में भी रोमांस में भी कैरियर में भी बिजनेस में भी किसी के साथ यू विल फाइंड योर कमिटेड पार्टनर ओके नेक्स्ट सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून ओके आप में से काफ़ी सारे लोगों को अब टाइम आ गया है सरेंडर करने का ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग से होगा वी हैव वट यू नीड टू रिलीज़ आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट दिस कमिटमेंट और ये जो भी आपको कमिटमेंट चाहिए जो आपको शादी चाहिए मैरिज चाहिए प्रपोजल चाहिए जो भी चीज़ आपको चाहिए यू हैव टू रिलीज समथिंग एंड सरेंडर टू द डिवाइन वी हैव फ्लो नंबर टेन दिस इज़ वी लव फॉर्चून सो एंड नंबर टेन इज कंप्लीसन वी हैव नंबर थ्री रीच आउट ओके दिस इज़ थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको डेफिनेटली गो विद द फ्लो जाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर भी ठीक है यू नीड टू गो विद द फ्लो और ये क्योंकि जुपिटर का कार्ड है तो नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए जुपिटर आपके किसी ऐसे साइन में हो सकता है या हाउस में हो सकता है जिसमें आपको गो विद द फ्लो और सरेंडर टू द डिवाइन ठीक है सो so, फ्लो का मतलब ये है अगर आप फ्लो के साथ चलोगे तो आपको डेफिनेटली वही चीज़ मिलेगी जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है नंबर टेन इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून सो जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में मिली है वो आपको जरूर मिलेगी यू विल मीट योर डेस्टिन पार्टनर आप डेफिनेटली आप अपने डेस्टिन पार्टनर को मिलोगे जो और जो आपके नसीब में लिखा है भाग्य में लिखा है वही आपको मिलेगा यू विल बी विद दैट पर्सन फिर हमारे पास है रीच आउट तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग सक्सेस की तरफ पहुँचे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यू नो यू विल टेक द स्टेप और रीच आउट टू योर सक्सेस ओके और इट्स इट्स मे बी कम्पलीशन ऑफ योर हो सकता है कि आप स्टडी uh, की तरफ स्टेप बाई स्टेप अपनी स्टडी की तरफ अपनी हायर डिग्री की तरफ प्रोफेशन की तरफ रीच आउट करें ठीक है फ्लो रीच आउट वन बाई वन सो आप टैर से देखते हैं कि क्या होगा वी हैव द हॉर्मेंट गो एनर्जी आप विरगो हो सकते हैं वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स आप एयर साइन हो सकते हैं जेमेना लिब्राइक्स वी हैव पेज ऑफ रॉड्स फायर साइन एयर इज लियो सैड सिक्स ऑफ सोर्ड्स वी हैव टू वो वार्स फायर और एयर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉग है वहाँ पर हमारे पास लियो भी है वर्गो भी है स्कॉर्पियो टोरस एक्वेरियस पाइसिस कैंसर एंड सैजिटेरियस अर्थ साइन भी है यहाँ पे वी हैव सेवन वॉन्स ओके जो नेक्स्ट ईयर होगा वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए आ, जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो हैं वो आ, मतलब बहुत ज्यादा चीज़ें चेंज होंगी वी हैव सेवन ऑफ जो आपने फाइट किया जो चीज़ आपको चाहिए वो आप उसको लेके रहोगे हासिल करके रहोगे सेवन ऑफ ओके यू हैव टू फाइट फॉर

ओके okay, काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे भी होंगे आप अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे यू विल बी वेरी कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट ईयर किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन इट्स लाइक प्रोफेशनल uh, डिग्री आप अपनी कंप्लीट करोगे यू विल बी सक्सेसफुल स्पेशली इन लॉ जज जजमेंट इन इन्फोर्समेंट इन एजुकेशन सो आपकी डिग्रीज कंप्लीट होंगी यू विल आल्सो बी मे बी हो सकता है कि कोई इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत मैच्योर होगा जो बहुत स्ट्रांग होगा जो बहुत एज uh, में आपसे बड़ा होगा एक्सपीरियंसड होगा हो सकता है उसी इंसान से आपकी शादी हो ठीक है वी हैव द पेज ऑफ रॉन्स दिस इज़ लाइक अ गुड न्यूज़ ओके काफ़ी सारे न्यू एडवेंचर्स होंगे न्यू ट्रेवल्स भी इन्वॉल्व होंगे बिजनेस के लिहाज से जॉब के लिहाज से या वैसे ही अपने पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी मूव ऑन करना पड़ेगा अपनी लाइफ में ये पैशन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ को डेफिनेटली क्रिएटिव तरीके से आपने जो है वो मूव ऑन करना है नेक्स्ट ईयर और फाइट करना है अपने बिलीव्स के लिए फाइट करना है जो चीज़ आपको चाहिए यू हैव टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स यू हैव टू फाइट फॉर योर सक्सेस मजीद देखते हैं क्या है वी हैव हनी मून सो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों की जैसे मैंने कहा आपकी शादी होगी यू विल हैव द हनी मून फेस सिक्स ऑफ सोर्ट्स टू यू विल बी ऑन हनी मून वी हैव रिकनसलिएशन एंड वी हैव रिट्रीट ओके आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो uh, आपकी हो सकता है इस वक्त इस वक्त आप रिट्रीट पे हों या नेक्स्ट मंथ जो आप डेफिनेट मैंने कहा एक एक स्पिरिचुअल रिट्रीट हो सकती है इमोशनल रिट्रीट हो सकती है जो आप अपने लिए लोगे एक ब्रेक और रिकन्सिलिएशन एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा जो आपको रिकनसाइल करना चाहेगा ठीक है और वो आपसे आपको कमिटमेंट देने की भी कोशिश करेगा इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन वी हैव नंबर फोर कोर्टशिप वी हैव नंबर नाइन चेंज वी हैव नंबर ट्वेंटी एट एक्सपेक्टेशन सो आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान का वेट कर रहे हो एंड ये वही इंसान होगा जिसका आपको वेट था उसी की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और फिर हमारे पास है मेच्योर मैन बिल्कुल ये मेच्योर होगा इंसान आप दोनों ही मेच्योर हो गए मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंसिस के लिहाज से आप दोनों ही मेच्योर हो गए लेकिन वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या मेच्योर हो सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी होगी जिनके साथ आम, आपको शायद बिजनेस वर्क भी करना पड़े या कोई मेचोर इंसान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा स्पेशली योर फादर आपके भाई, भाई या आपके फादर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे नेक्स्ट ईयर चेंज लाने के लिए आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस चेंज सो नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी ज्यादा चेंज आएगा और बहुत सारी चेंज आपके अंदर आएगा आपकी लाइफ में आएगा आपकी आपके लाइफ में आएगा ओके वी आल्सो हैव कोर्टशिप आप में से काफ़ी सारे लोग जैसे मैंने कहा यू विल बी इन अ रिलेशनशिप यू विल बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट यू विल बी इन अ बिज़नेस डील और कोर्टशिप uh, का ये भी मतलब है कि आप में से काफी सारे लोग जैसे मैंने कहा आप लाख की डिग्री कम्प्लीट करोगे या कुछ इस तरह का प्रोफेशनल डिग्री आप कम्प्लीट करोगे यू मे बी विल टीचर ओके okay? सो so, आप में से काफ़ी सारे लोग जो आपकी एक्सपेक्टेशन हैं उसी के मुताबिक आपको वही चीज़ मिलेगी नेक्स्ट ईयर में बट यू आल्सो हैव टू बी पेशेंट सो इन कार्ड से देख लेते हैं मजीद आपके लिए लास्ट में क्या है वी हैव डिसेप्शन वी हैव पीस वा बिल्कुल वी हैव Milestone and we have letting go. Okay, गो काफ़ी सारे लोग मैंने आपसे जैसे कहा आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिनको आपको लेट गो करना पड़ेगा जो चीज़ें आपको हेल्दी नहीं हैं आपको आपका पहले कार्ड जो बता रहे हैं सरेंडर और वट यू नीड टू रिलीज और फिर एक और कार्ड आ गया लेट गो सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं आपके लिए खुशी नहीं है आपके लिए हेल्दी नहीं है तो इन आर्डर टू आपको डेफिनेटली लाइफ में चेंज लाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है इवन दो वी हैव टू सेक्रीफाइस सो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन आर्डर टू चेंज क्योंकि हो सकता है आपके लिए कुछ और नए डोर ओपन हो रहे हो जो आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉड ऑफ माइल स्टोन मतलब आपको सक्सेस मिलेगी आपको एक पीस मिलेगा जिसका आपको काफ़ी अरसे से वेट था इंतजार था और यहाँ पर ये यह जैसे यहाँ पर डेकोरेशन नज़र आ रही है तो हो सकता है यू विल गेट मैरिड जैसे मैंने कहा डेफिनेटली मैरिज है एक सेरेमनी है एक शादी है एंड वी यू कैन सी दिस का सो इट्स लाइक अचीवमेंट इट्स लाइक अ प्रपोजल ओके जिस चीज़ का आपको वेट है वो डेफिनेटली मिलेगी फिर हमारे पास है पीस आप में से नेक्स्ट ईयर आप एक पीसफुल पोजिशन में होंगे आपका माइंड एक पीस और हेल्थी जगह पर होगा यू कैन मेक अ पीस इन योर लाइफ ओके इन ऑर्डर टू कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने पीस के लिए अपने पीस के लिए अपनी खुशी के लिए छोड़नी पड़ती हैं वी हैव डिसेप्शन सो हमें से काफ़ी सारे लोग जो पार्टनर डिसेप्टिव था और आपको उसका वेट था सो हो सकता है वही इंसान आपकी तरफ एक्शन ले और यू विल हैव अ रिकन्सुलशन विध दैट पर्सन ओके कुछ लोगों के लिए बिकॉज आई एम सींगेर और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि डोंट लिजन टू एनी वन इन द नेक्स्ट ईयर ओके हो सकता है काफी सारे लोग आपके पीठ पीछे बात करने की कोशिश करें या आपके खिलाफ र्यूमर्स और जिस तरह की बातें करें डोंट पे अटेंशन डिसेप्शन आपको अपने पीस पर फोकस करना है अपने अपने आ, अपने कैरियर पे फोकस करना है और अपनी सक्सेस पे फोकस करना है यू विल बी डेफिनेटली इन अ गुड पोजीशन इफ यू विल फॉलो दिस रूल ओके सो ये आपकी रीडिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में बाय गाइस। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस